नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको दूसरे स्टेट में सेकेंड हैंड कार की एक बहुत अच्छी डील मिल रही होती है। उस कंडीशन में आप उस गाड़ी को लेने का मन बना लेते हैं बिल्कुल भी। और कई बार मेरे को सवाल भी आते हैं कि यार मैं बिहार में रहता हूँ और मैं दिल्ली से गाड़ी लूँगा तो उसकी जो ट्रांसफ़र जो होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफ़र होगा, उसमें कितना खर्चा आ जाएगा। और जैसे कई लोग क्या करते हैं कि दिल्ली से गाड़ी लेते हैं, जैसे यूपी के लोग हो गए और हिमाचल से भी आते हैं कई लोग दिल्ली से गाड़ी खरीदने के। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका सेकंड हैंड गाड़ी हो तभी ही हो। मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर जॉब करते हैं, आपके नाम पे गाड़ी है लेकिन आप है राजस्थान के बंदे, ठीक है, तो आप अपनी स्टेट के अंदर जाकर के बाद में रहना शुरू करेंगे तो आपको फिर से यही पूरा प्रोसेस जो है वो अपनाना पड़ेगा। अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी को ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर आपको जिस स्टेट में आप जा रहे हो वहाँ पर आपको LTT यानी कि लाइफ टाइम टैक्स यानी कि रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, जो आपको अक्सर नई गाड़ी खरीदने में एक बार पे करना पड़ता है, वो आपको दोबारा करना पड़ेगा जी। हाँ, लेकिन अगर आप सेम स्टेट के अंदर हैं और फिर आपका एड्रेस चेंज हो रहा है तो आपको वो चीज़ नहीं, सिर्फ ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी, जिसका खर्चा हार्डली जो है 2-3 हज़ार के आसपास आता है। अब बात आती है कि रोड टैक्स कितना पे करना पड़ता है, ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पे। मान लीजिए आपकी नई गाड़ी है, नई गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू है 7 लाख रुपए और आपका जो रोड टैक्स है आपके स्टेट के अनुसार मान लेते हैं 8%, तो आपको 56,000 रुपये लाइफ टाइम टैक्स या फिर आप कह सकते हैं रोड टैक्स देना पड़ेगा। ये चाहे आप नई गाड़ी के लिए ले लें या फिर पुरानी गाड़ी के लिए ले लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अगर पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो भी आपको पूरा का पूरा जो टैक्स है, मतलब कि जो इनवॉइस वैल्यू है, वही आपको पे करनी पड़ेगी। ऐसे में तो बैंड बच जाएगा आपका, मतलब कि आपको अपनी गाड़ी की जो इनवॉइस की डेप्रिशिएट वैल्यू है उसके हिसाब से LTT जो है वहां पर आपको देना पड़ेगा। LTT मतलब लाइफ टाइम टैक्स। अब आप सोचेंगे कि डेप्रिशिएशन ये कैसे किया जाता है, किस हिसाब से किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि ये जो इंश्योरेंस की IDV वैल्यू होती है, जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, उसके हिसाब से डेप्रिशिएट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। उस वैल्यू को तो जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। IDV वैल्यू आप गाड़ी की बढ़ा भी सकते हो, एक लिमिट तक कम भी कर सकते हो। आपको प्रीमियम कम चाहिए तो आप कहते हैं इंश्योरर से अपने की मेरी जो है IDV वैल्यू कम कर दे, प्रीमियम अपने आप कम हो जाएगी। तो ये चीजें RTO नहीं मानता। तो RTO जो है वो इंश्योरेंस वाली वैल्यू को ना देखते हुए आपकी इनवॉइस के जो डेप्रिशिएट वैल्यू है वो उनका एक सिस्टम होता है। कई लोग जो है वो कई स्टेट्स के अंदर 7% होता है, कई स्टेट में 10% होता है और कई स्टेट में 7 से लेकर 10% तक पर ईयर के डेप्रिशिएशन जो है वो होती है, उसके हिसाब से जो है आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। और आजकल तो सिस्टम थोड़ा सा और भी ज़्यादा एडवांस हो गया है कि सारा जो कंप्यूटराइज हो गया है वो सिर्फ आपकी गाड़ी का मॉडल नंबर नंबर वगैरह सारी चीज़ें डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेट करके दे देता है वहाँ पर कि कितना डेप्रिशिएशन होगा। लेकिन जो उसके कैलकुलेशन का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 10% का डेप्रिशिएशन पर ईयर हो रहा है, मतलब कि 10 साल के बाद तो आपकी गाड़ी फ्री हो गई, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जो डेप्रिशिएट जो होता है वो एक लेवल तक होता है, मतलब कि ये लगा लीजिए कि 45-50% तक जा करके वो रुक जाता है। मतलब 45-50% के बाद जितना भी आपको बच जाता है उसके हिसाब से तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप कितनी पुरानी गाड़ी ले ले, कितनी आप नई गाड़ी ले ले। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो RTO है कैलकुलेशन करती है सेकेंड हैंड कार का। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं भी है तो उनके पास प्राइस डिटेल रहती है, तो वो लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। और आप सेकेंड हैंड कार किसी अदर स्टेट से खरीदना चाहते हैं तो ये चीज़ें भी देख लेना कि मेरे को ट्रांसफ़र कराने में कितना खर्चा लगेगा और ये चीज़ें भी आप ही के खर्चे में ऐड होगी। जी हाँ, और एक और चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि BS3 जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो रही है, उसका भी ध्यान रख लेना। बिल्कुल। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी खरीदने के बाद दूसरे स्टेट से ऐसे ही चला लूँगा तो ऐसा नहीं है। कई स्टेट में जो है टैक्स ज़्यादा रहता है, वहाँ की पुलिस पकड़ लेगी कि कम टैक्स वाले स्टेट की गाड़ी लाकर यहाँ पर चला रहे हैं, जैसे कि बेंगलोर में होता है और केरला में बहुत सारी बार देखा जाता है ऐसा केस। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ कि 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डाल लेना, 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहन लेना जरूर। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। ये है इसका हेलमेट।